और रेडनेस वगैरह बिल्कुल नहीं, इचिंग वगैरह बिल्कुल नहीं की इसने। अच्छा प्रोडक्ट है बिगनर के लिए, करते मज़ा नहीं आता रेस्टोरेंट में। देसी चूका ठीक है अपना गर्म पट्टी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज की वीडियो है प्री वर्कआउट के रिव्यूज़ के ऊपर। काफ़ी लोग पूछते हैं कि कौन सा प्री वर्कआउट लेना चाहिए। हम तीन प्री वर्कआउट लेके आए हैं बजट के अंदर, हाइट और न्यूट्रिशन का टीजर और मसल फार्मा का असोल्ट। आज हम यूज़ करेंगे मसल फार्मा का असोल्ट। ये अच्छा प्री वर्कआउट है बिगनर के लिए। इसमें 1.6 बेटा रिजन है, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है और सबसे अच्छी बात है कि कैफीन 200 mg कैफीन है। 30 सर्विंग आती है और बजट के अंदर भी है। आज इसको यूज़ करके बताते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा है, पंप कैसा आता है। तो चलो शुरू करते हैं। आज हमारा बाइसेप्स का वर्कआउट है, करते हैं बाइसेप्स का वर्कआउट। प्रीवर्कआउट तो अच्छा है भाई, स्ट्रेंथ तो अच्छी दे रहा है, पावर भी अच्छी आ रही है। मज़ा नहीं आता रेस्टोरेंट में। देसी चूका ठीक है अपना गर्म पट्टी। की सबसे बेस्ट बात ना तो रेडनेस होती है बॉडी में, ना इचिंग होती है, माइंड सेट रहता है, सबसे बेस्ट बात लगी। I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall.
वर्कआउट अब आया हमारा हैमर, उसके बाद वर्कआउट फिनिश, थोड़ा फोर आर्म्स करेंगे देन डन वर्कआउट उसके बाद। प्री वर्कआउट अच्छा है, अच्छा पंप दिया और स्ट्रेंथ भी अच्छी दी है और रेडनेस वगैरह बिल्कुल नहीं, इचिंग वगैरह बिल्कुल नहीं की इसने। आप यूज़ कर सकते हैं प्री वर्कआउट। नेक्स्ट वीडियो आप लोग कमेंट करके बताओ, पोल न्यूट्रिशन के टीजर पे बनाऊं या हाइट पे बनाऊं, वो कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।